ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को आज भी एक्सेप्ट करता है कि उन्होंने सब कुछ सर्च नहीं कर लिया है, यानी कि बहुत सारा रिसर्च करना अभी उनके लिए बाकी है। तो जब रिसर्च उनकी अधूरी है तो इसका तात्पर्य सीधा सा है कि उनके पास अभी सारी बातों की जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी का अभाव है तो इसीलिए कई बार आपके साथ एक घटना घटती है। कई बार मेरे से लोग कहते हैं कि दीदी मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है पर मेरे को बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, इसका समाधान कैसे करूँ। पर मित्रों, जब आप डॉक्टर के पास आते हो रिपोर्ट निकालते हो, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर के आप रिपोर्ट निकालते हो, रिपोर्ट जब नील आते हैं, नेगेटिव आते हैं, कुछ भी आपको नहीं मिलता है, तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई दवाई अवश्य देता है। अब ये दवाइयाँ, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में बहुत कुछ सोचते रहते हो, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, शरीर में बहुत कुछ हो रहा है, तो दिमाग चलता रहता है, सोचता रहता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, नए नए रोग आ जाते हैं। तो दिमाग सोचे कम या सोचना कम कर दे, तो ऐसी स्थिति के लिए कई बार डॉक्टर्स नींद की गोलियां देते हैं, या फिर जो दवाइयां देते हैं उसमें स्टेरॉइड होता है जो हमारे शरीर में जाकर और नई बीमारियों को जन्म दे देता है, जो कई बार बहुत ही घातक होती हैं। यदि आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको आपकी समस्याओं का समाधान बता सकें कि आपको समाधान कैसे मिलेगा, क्योंकि हम सारा समाधान जड़ से चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। और ये तभी सिद्ध होगा जब हम कुछ बातों को समझ के उसको क्लियर करेंगे। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है जब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, और रिपोर्ट नॉर्मल क्यों आते हैं फिर भी शरीर में रोग रहता है, इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मित्रों, रिपोर्ट किस चीज़ का निकलता है, पहले आप ये समझिए, रिपोर्ट आपके शरीर का निकलता है, ठीक है, लेकिन क्या रोग शरीर के होते हैं? क्योंकि कुछ रोग जो हैं वो जन्म से होते हैं। अब जो जन्म से रोग हैं इसमें हमारा ये शरीर दोषी नहीं होता है, पर हाँ, जो मैं सनातन परंपरा को मानती हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुनर्जन्म होता है, और जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उनके लिए केवल मैं एक मिनट में एक प्रश्न करूँगी, क्योंकि एक मिनट में मैं इसको सिद्ध कर दूँगी पुनर्जन्म होता है। और आपके सामने एक प्रश्न भी है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, कि यदि पुनर्जन्म नहीं है तो आपका ईश्वर या परमात्मा, जो भी आप जिस रूप में मानते हैं, वो भेदभाव करता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो जन्म के समय सबकी स्थिति समान होनी चाहिए, क्योंकि सबकी स्थिति इसलिए समान होनी चाहिए क्योंकि आपका ईश्वर भेदभाव नहीं करता है। पर हमारे यहाँ जन्म के समय सबकी स्थिति समान नहीं होती है, क्योंकि हम पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं, उस अनुसार हमारा नया जन्म होता है, हमारे अनेक शरीर होते हैं, पर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे जन्म के समय जो स्थिति होती है ना मित्रों, वो हमारी पिछले अनेकों जन्मों के कर्मों से और उनके साथ जो संस्कार जुड़ते हैं उनसे बनता है। अब हमारी जो यात्रा होती है ना, वो हमारे आत्मा के साथ, हमारे मन जो सूक्ष्म रूप में चलता है उसकी यात्रा होती है, और मन से ही हमारे विचार जुड़े हैं। और आप अधिकांश देखिए कि अच्छा हेल्दी खाना खाने के बाद भी कई बार लोग रोगी होते हैं, और कुछ भी खा लेने के बाद भी कई बार लोग स्वस्थ होते हैं। ये भेदभाव क्यों है? ये आपके मन का भेद है, आपके विचारों का भेद है। यदि आप अच्छे से अच्छा भोजन करके नेगेटिविटी रखते हैं, विचारों में आपकी नकारात्मकता चलती है, तो आप कभी भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। और वहीं आप एकदम सादा सीधा भोजन करो, नॉर्मल भोजन करो, और आपके विचार बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप देखेंगे आप नॉर्मली स्वस्थ रह सकते हैं। ये विचारों का बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव है जिसको आपको समझना होगा। और ये विचार हमारे मन से प्रेरित होते हैं, और मन जो है हमारी अनंत जन्मों की यात्रा के साथ हमारी आत्मा के साथ चलता है, जो उसको पालित करता है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। अब आप इस बात को और रूप से समझिए मित्रों, कि जब रोग जो आता है वो आपके विचारों से आता है, और विचारों का कोई भी रिपोर्ट मेडिकल साइंस के पास नहीं है, और जो है वो अंदाजे से है, उसको आप परफेक्ट रिपोर्ट नहीं कह सकते। इसीलिए मित्रों, यदि आप चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि शरीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको अपने मन को समझना होगा। किंतु मन को समझने के लिए आपने कोई भी विद्या ऐसी नहीं पढ़ी है कि जहां आपको मन के समाधान मिले, क्योंकि मन जब चिंतित होता है, परेशान होता है, कई बार कष्ट में आता है, तो समझने को कुछ भी तैयार नहीं होता और मन परेशान होता चला जाता है। और आप देखिए, बैठे बैठे कुछ भी किए बिना लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन चिंता में चला गया, मन को सोचने चला गया, उसमें सांस ऊपर नीचे हो गई और उसी में सब गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए मित्रों, ये आपको समझना होगा कि रोग केवल शरीर से नहीं है, रोग मन और आत्मा के साथ हमारे अनंत जन्मों की यात्रा कर रहे हैं। जब वो अनंत जन्मों की यात्रा है तो वो केवल शरीर से नहीं जुड़ी है। इसलिए मित्रों,
आपको मन और आत्मा को समझना होगा, जिसके लिए आपको बहुत कुछ अपने भीतर से समझना होगा, उसके लिए आपको ध्यान प्राणायाम आदि करना होगा। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, प्राणायाम पूरी प्लेलिस्ट हमने दी है। यदि आप उस अनुसार प्राणायाम करना आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होता जा रहा है, और जैसे जैसे आपका मन शांत होगा ना, वैसे वैसे आपको अपने विचार, आपकी सोच, आपकी समझ पकड़ में आएगी। और उसके अलावा एक फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जो आपके जो अननेसेसरी विचार चलते रहते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें उसको आपको स्पष्ट करके बताएगी। तो मित्रों, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी पड़ेगी, पर कई बार होता क्या है, हम छोटी बातों को समझे बिना कुछ दवाइयां खा के, कुछ और करके, कुछ और करके अपने रोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, जो कभी भी कैसी भी स्थिति में संभव नहीं होता है। तो यदि आपको ये बात समझ में आ रही है कि वाकई रोग केवल शरीर में नहीं होते हैं, हमारे मन में होते हैं, हमारी आत्मा के साथ चलते हैं, तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे प्रश्न करिएगा। आप प्रश्न कमेंट में कर सकते हैं, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, वहां बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में, आपको मोटिवेट करने में सहायता करेंगे, जिससे आपका जीवन उत्साह से भरा होगा। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। पहले आप हमें प्रश्न करिए, सीधा प्रश्न करिए, कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न करेंगे, हम आपको उत्तर देंगे, कहाँ आपको वीडियो देखना है, क्या पालन करना है, आपको विस्तार से बता देंगे। और उसके बाद जब हमारे निर्देशों का पालन करेंगे तो आपके शरीर में जैसा भी कोई भी रोग है जो आपका रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, उसका समाधान आपको बिना किसी दवा के मिलना संभव है। हाँ, समझने में थोड़ा आपको समय लगेगा, और यदि समझ लेंगे तो समाधान निश्चित है और सरल भी है। जब आप समझ लेंगे तो आप कहेंगे, अरे इतना ईजी था इसका समाधान, मैंने तो क्या क्या कर लिया। क्या क्या करने से समाधान नहीं होता, समाधान बहुत सिंपल होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और आपने मेरा वीडियो सुना उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम।